मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। कोई भी हमारे पास मैटर हो, जितनी भी वो जगह घेर रही हो, ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होती है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारे पास सॉलिड हो, लिक्विड हो, या फिर हमारे पास जो है वो गैस हो। अब लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, मेजरमेंट उसकी करना चाह रहे हैं, हम उसको मापना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम अपने वॉल्यूम को मेजर करेंगे। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो हम क्या लेते हैं जी, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट बेसिक सा बहुत ही हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हम यूज कर रहे होते हैं, एक ऐसा चीज, ऐसी चीज यूज कर रहे होते हैं जो जिसको हम जिसके जरिए से हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम हमारे पास कितना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है जी बीकर। मैं इसको लिख देती हूँ, बीकर जो है बहुत ही बेसिक सा हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि चीज है जिसके थ्रू हम वॉल्यूम को बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें ये है बात कि हमारे पास एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं आता, ठीक है, हम बहुत अच्छे तरीके से इससे वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। तो हम इससे जो है ना क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि इतना वॉल्यूम है। हम बहुत अच्छे तरीके से हम ये नहीं बता सकते कि इसका इतना वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देते हैं अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम जो है वो हम इससे मेजर करते हैं। बहुत हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्यूरेट वॉल्यूम होता है वो हम इससे मेजर नहीं करते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, या फिर उसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी हम कहते हैं। यहाँ पर हम ले आते हैं कि उसके थ्रू हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, वो हमारे पास थोड़ा सा एक्यूरेसी के करीब होता है, यानी कि उससे बहुत बेहतर, बीकर से बहुत बेहतर जो है वो हम वॉल्यूम मेजर करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड क्यों कहते हैं जी, इसके नीचे हमें नजर आ रही है, इसके साथ साथ सॉरी हमें नजर आ रहे हैं कि हमने मेजरमेंट के जो है वो लिखे हुए हैं कि हमारे पास यहाँ तक 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, अप टू 100 ml तक हम फाइंड कर सकते हैं। ml क्या है जी, मिलीलीटर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, यूनिट है वॉल्यूम का। जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं 10 किलोग्राम होता है, या 5 किलोग्राम हम आटा या चीनी लेकर आए, इसी तरह से अगर हम किसी वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं या किसी लिक्विड को इसके अंदर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इसका यूनिट जो है वो मिलीलीटर यूज होगा। अच्छा, अब याद रहे यहाँ पर कि अगर हम एक कलरलेस लिक्विड को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कलर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, कलरलेस हमारे पास लिक्विड था, ठीक है, जिस तरह लेट सपोज हमारे पास वाटर है और वो किसी रंग के बगैर है, हमारे पास कोई उसमें रंग नहीं है, तो फिर हम क्या रीड करेंगे, हमारे पास असल में ना क्या होते हैं जी, अगर हम देखें इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में देखें, या बीकर में देखें, या किसी और भी चीज में हम देखें जिसमें हम वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं, तो जो हमारे पास कलरलेस लिक्विड होते हैं उसके हमें जो है वो कितने मिनिस्कस नजर आ रही होती हैं, यानी कि सतहें कितनी नजर आ रही होती हैं, वो दो नजर आ रही होती है, एक अपर होता है जी, ठीक है, इस तरह से, और एक लोअर होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यूं करके दिखाती हूँ, एक अपर होता है यूं करके और एक लोअर होता है। जब कलरलेस होता है तो उसका हम लोअर मिनिस्कस जो है वो वहां से मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी, उसके लिए हम क्या लेते हैं, लोअर मेनिस्कस, ठीक है, मेनिस्कस, ठीक है, नीचे वाली सतह को हम लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कलर्ड आ जाए, ठीक है, कलर्ड हमारे पास सोल्यूशन हो या फिर लिक्विड हो, तो उसकी हमेशा क्या करते हैं, रीड करते हैं कलर वाले की। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कलर लिक्विड है हमारे पास कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या रीड करेंगे, उसके लिए हम अपर मेनिस्कस जो है वो रीड करेंगे। लोअर अगर जो हमारे पास हल्के रंग के लिक्विड होते हैं, यानी कि लाइट कलर अगर उसमें नजर भी आ रहा हो, तो लोअर बाजूकात हमें मेनिस्कस नजर आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सही ब्राइट कलर के हमारे पास जो लिक्विड होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, अपर मेनिस्कस को रीड करते हैं, ठीक है। यहां से याद रहे ये हमारे पास क्या है, अपर मेनिस्कस, मैं यहां पर लिख देती हूँ अपर मेनिस्कस, यानी कि हम ऊपर वाली सतह को रीड करते हैं, ठीक है। यहां पर ये हमारी जो है, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये हर किसी जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट भी हम मेजरमेंट के लिए, वॉल्यूम के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसके लिए यही हम रूल जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है मेजरमेंट कुछ हमारे पास एक्यूरेट होती है, यानी कि वॉल्यूम को अगर हमने अप्रोक्सीमेटली फाइंड किया था बीकर से, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बेहतर हो जाएगी इसमें मेजरमेंट, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है हम ले लेते हैं, हमारे पास जो आता है ब्यूरेट, ब्यूरेट जो है हमारे पास अगेन क्या होता है जी, किस तरह का होता है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी ब्यूरेट,
इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ये ब्यूरेट हमारे पास जो है इसको हम इस तरह से लेते हैं कि एक स्टैंड में इसको फिट करते हैं, ठीक है, और इसमें भी हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम को ही मेजर करते हैं, ठीक है। ब्यूरेट में आप देखें हमारे पास एक स्टॉप कॉक यहाँ पर लगा होता है जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं कि कितना लिक्विड हमारे पास आ रहा है। और इसमें देखें यहाँ पर 100 था हमारे पास, यहाँ पर 50 ml तक हम जो है वॉल्यूम को एक्यूरेटली हम यहाँ पर इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। और कितनी हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग आ सकती है, हम ले सकते हैं यहाँ पर ब्यूरेट के थ्रू 0.1, ठीक है, 0.1 ml तक हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं यानी कि 1 ml के 10th पार्ट तक, यानी कि 1 ml के अगर हम क्या करें 10 हिस्से करें यहाँ पर, यानी कि 1 ml अगर हमारे पास है, बहुत छोटा सा यहाँ पर होता है 1 ml हमारे पास, ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसके अगर हम 10 पार्ट्स करें, ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं जी, हमारे पास कितने आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसका जो 1 पार्ट है उस तक हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, 0.1 ml तक हम अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम इसका कितना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये एक्यूरेट होता है 0.1 ml तक, एक्यूरेट अबाउट, ठीक है, एक्यूरेट यहाँ पर हम लिखते हैं टू द या अबाउट लिख देते हैं, ठीक है, हमारे पास ये तकरीबन इसके करीब जो है वो एक्यूरेट होता है, इससे हम बहुत अच्छे तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद अगर हम लें जो हमारे पास पाइपेट होता है, ठीक है, पाइपेट भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है, उसमें हम जो है मैक्सिमम जो वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, ये हमारे पास है जी पाइपेट, ठीक है, इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पर आ गया हमारे पास, चले हम इसको इधर ले आते हैं, ये हमारे पास है जी पाइपेट, पाइपेट के थ्रू भी हम क्या करते हैं वॉल्यूम को मेजर करते हैं, ठीक है, और ये कितना होता है, ये हमारे पास जो है तकरीबन हम इसको जो है 10 सेंटीमीटर तक, मोस्टली 10 सेंटीमीटर क्यूब तक या 10 ml तक, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, 10 ml तक हम एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं। इसके अलावा भी बड़े हमारे पास होते हैं 25 और 50 ml तक भी हमारे पास पाइपेट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है जिसमें हम क्या करते हैं सॉल्यूशंस बनाते हैं या लिक्विड्स वगैरह के वॉल्यूम को मेजर करते हैं, ये है जी हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर मार्क होता है, वहाँ तक हम जो है सॉल्यूशन को बना लेते हैं और फिर यहाँ पर हम कुछ भी हमारे पास जो सॉल्यूट होता है उसको डाल के और फिर हम क्या करते हैं उसमें यहाँ तक डिस्टिल्ड वाटर या जो हमारे पास वाटर होता है उसको जिसके अंदर भी हमने सॉल्यूशन बनाना होता है वो सारा डाल के यहाँ तक भर के और अच्छे तरीके से इसको जो है वो शेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो वॉल्यूम बन रहा होता है यूजुअली हमारे पास जो होती हैं वो 1 dm³ की, यानी कि 1 लीटर की हमारे पास जो है 1 लीटर, चले मैं लिख देती हूँ 1 लीटर की हमारे पास इस तरह की जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है, ठीक है। इसके अलावा हम प्लास्टिक की जो स्ट्रिंज होती हैं वो भी यूज करते हैं, ठीक है, थीके? अगर बहुत स्मॉल हमने वॉल्यूम लेना हो तो इस तरह की प्लास्टिक स्ट्रिंज को हम यूज करते हैं। इसके अलावा अगर गैस का हमने वॉल्यूम लेना हो तो बिल्कुल इसी तरह की हमारे पास जो होती है गैस स्ट्रिंज मौजूद होती है, ठीक है, जिस तरह हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि हमारे पास जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, थीके? तो उसके लिए भी हम जो है वो इस तरह की सिरिंज वगैरह को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर गैस जो है वो भरी हुई है और इसको जो है हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेजरमेंट दे रहा है गैस की कितने वॉल्यूम है उसका, ठीक है। तो इसको मैं लिखती हूँ, ये हमारे पास क्या है जी, स्मॉल प्लास्टिक सिरिंज है, प्लास्टिक सिरिंज, ठीक है, और जो दूसरी हमारे पास है वो कौन सी है जी, हमारे पास गैस सिरिंज है, ठीक है, गैस यहाँ पर हमारे पास मौजूद है तो इसको हमने नाम क्या दे दिया जी, गैस सिरिंज, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो है वॉल्यूम को मेजर करने के डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जिसके थ्रू हम गैस और हमारे पास जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो है यूनिट्स, जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है जी सेंटीमीटर क्यूब, जो कि मैंने बताया ये बराबर होता है हमारे पास ml के, और अगर मैं इसकी बात करूँ डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, तो हमारे पास वो बराबर होता है लीटर के। जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम की बात करते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास ये क्या है, यूनिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे पास मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम।